www.radioinfluence.com. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमले पर खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों का यह दावा है कि घाटी और जम्मू में दहशत फैलाने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ और अमेरिकी सैनिक वापस गए तो वो बड़ी संख्या में हथियार वहां छोड़ करके गए थे और अब यही हथियार अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार मौजूद हैं। ये वही हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक 2021 में अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। अब ये अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान से इन हथियारों की डील की और उन्हें पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी संगठन तक पहुँचा दिया। अब इन्हीं अमेरिकी हथियारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत और आतंक का पुराना दौर वापस लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के जरिए 2022 से ही कश्मीर तक पहुंचने लगे थे, जिसमें सबसे ज्यादा M4 कार्बाइन राइफल है जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे आतंकियों के पास से बरामद हो रही है। पाकिस्तान आतंकी जम्मू कश्मीर में सेना पर हमला करने के लिए M4 कार्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी हथियार से वो सेना के काफिले पर पहली फायरिंग करते हैं। भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों की पहली पसंद अमेरिकन M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल बन चुकी है जो एक मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियों को दागने में सक्षम है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 500 से 600 मीटर है। इसलिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपने आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा M4 राइफलों को जम्मू कश्मीर भेजने का फरमान सुनाया है। भारतीय एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में आतंकी संगठनों की दो बड़ी बैठकें लाहौर और बहावलपुर में हुई। इस मीटिंग में लश्कर ए तैयबा ने M4 राइफल्स को जम्मू कश्मीर भेजने की साजिश तैयार की। सूत्रों के मुताबिक अब तक 2 दर्जन से ज्यादा M4 राइफल जम्मू कश्मीर में पहुंचाई जा चुकी हैं। स्टील की गोलियां दागने की ताकत रखने वाली M4 राइफल से आतंकियों ने 2017 में जम्मू कश्मीर में पहला हमला किया था। अमेरिकी सेना ने 2021 में अफगानिस्तान से लौटते वक्त करीब 3.5 लाख हथियार वहीं छोड़ दिए थे, जिसमें 3,16,000 से ज्यादा छोटे हथियार थे और 16,000 हैवी वेपन शामिल थे। इनमें M4 स्नाइपर और M4 कार्बाइन राइफल्स, M16A4 राइफल्स, M249 मशीन गन, AMG राइफल्स, M4A1 कार्बाइन, M16A2A4 असॉल्ट राइफल शामिल थे। तभी आशंका जताई गई थी कि आतंकी संगठन इन हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने 1.5 लाख से ज्यादा कारतूस और 42,000 नाइट विजन कैमरा भी छोड़ दिए थे। तालिबान ने इन हथियारों को बेचकर खूब कमाई की। M4 राइफल को $2400 में बेचा गया और AK-47 की कीमत $130 रखी गई, जबकि नाइट विजन कैमरा $500 से $1000 में बेचा गया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान से इन हथियारों को खरीदकर आतंकी संगठनों को दिया ताकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आई शांति में फिर से खलल पैदा की जा सके। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कुदरत जब तबाही मचाने पर आमादा हो तो इंसान की सारी कोशिशें बौनी साबित होती हैं। इन दिनों आधे से अधिक हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है। देश के कई राज्य इन दिनों प्रलय जैसे हालात से गुजर रहे हैं। अलग अलग शहरों से सन्न कर देने वाले मंजर सामने आ रहे हैं। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सैलाब के कहर की सनसनीखेज तस्वीरें, मूसलाधार बारिश की चुनौती भरी तस्वीरें, देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट। कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस वक्त कमोबेश देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये द्वारका का हरिपर पानीली मार्ग है। बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। एक कार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ।
लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। यह वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजिर धोद नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए, डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपर इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सरस्वती नदी में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ का पानी अपनी सीमा से कई मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, जिस वजह से यहां लोग डरे सहमे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ही दिन में हुई 6 इंच बारिश ने सब कुछ डुबो कर रख दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं सड़क पर उमड़े इस सैलाब के साथ बह गई हैं। अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। पाथला गांव से आइए तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की टक्कर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है और अब अमरेली के तितानिया गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां का खोड़ियार मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। सैलाब की लहरें यहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। राजकोट में भी 5 से 7 इंच हुई बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है, जिस वजह से गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहां टिकटौली दूमदार झरने पर 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से तीनों तेज धारा के बीच फंस गए। आनंद फानन में स्थानीय प्रशासन तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, जैन मंदिर पड़ता हुआ टिकटौली झरना है कि यहाँ पे 3 लोग झरने में फंस गए हैं। पानी तेज बारिश हुई तो एकदम पानी आ गया, तो मैंने तत्काल अपने बल को इकट्ठा करके रस्सी डलवा के करीब करीब आधा घंटा रेस्क्यू की। आधा पौन घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको तीनों को सुरक्षित निकाला। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा हो, क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नई मुसीबत का सामना हो जाए। और चलिए रुकते अगली खबर की ओर। कई महीनों से टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैंकोविक की तलाक की खबरें उड़ रही थी, लेकिन अब इस खबर पर हार्दिक पांड्या की तरफ से मुहर लग गई है। हार्दिक और नताशा दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट।
टीम इंडिया ने पिछले महीने ही T20 वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल में जहां स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जीत के हीरो रहे, लेकिन शादी की पिच पर उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। पिछले कई महीनों से हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक की तलाक की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैर रही थी, लेकिन अब हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर मुहर लगा दी है। अब उनकी राहें जुदा हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाई। आईपीएल के दौरान दोनों के तलाक की खबरें हर तरफ छाई हुई थी, लेकिन तब हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि बीच बीच में इस खबर को अफवाह भी बताया गया, लेकिन अब दोनों ने तलाक की पुष्टि कर दी है। हार्दिक जब आईपीएल में खेल रहे थे, तब से ही अंदाजा हो गया था कि उनके और नताशा के संबंध खत्म होने की कगार पर हैं। हार्दिक और नताशा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अलग होने की जानकारी शेयर की। हार्दिक पांड्या ने लिखा, नताशा और मैंने 4 साल साथ रहने के बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने इस रिश्ते को बनाए रखने की पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही फैसला है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। हमने साथ में खुशी के पल बिताए, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखा, एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े। नताशा कुछ दिन पहले ही हार्दिक का घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। नताशा और हार्दिक ने अपने बेटे अगस्त्य के बारे में भी बताया। उनका कहना है कि वो दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। उन्होंने अपने फैंस से समर्थन और प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की है। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक ने 1 जनवरी 2020 को सगाई की थी। कोरोना महामारी के दौरान दोनों की 31 मई 2020 को शादी हुई। 30 जुलाई 2020 को नताशा ने बेटे अगस्त्य को जन्म दिया। 14 फरवरी 2023 को नताशा और हार्दिक ने उदयपुर में दूसरी बार ग्रैंड वेडिंग की थी। नताशा सर्बिया की रहने वाली है। वो पेशे से मॉडल है। साल 2012 में वो भारत आई थी। उन्होंने बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई, एक फिल्म में आइटम सॉन्ग भी किया। नताशा बिग बॉस 8 और नच बलिए जैसे शो का हिस्सा भी रही हैं। हार्दिक से मुलाकात के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया था, लेकिन अब 4 साल के बाद दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक का एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि ईडी ने राजू राम को गिरफ्तार किया है। उदयराम बिश्नोई का राजू राम पार्टनर है और अस्तक्षा संकुल से पेपर लीक प्रकरण में राजू राम शामिल है। राम कृपाल से जो है पेपर लेकर के 5 करोड़ में बाजार में सौदा किया था और अब रिमांड पर लेकर के ईडी जो है राजू राम से पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, क्या कुछ जानकारी अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय जो पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रहा है, जांच में जो राजू राम इराम नाम का ये व्यक्ति है, ये ही मुख्य सरगना है जो शिक्षा संकुल से पेपर लीक होने के बाद बाजार में इसको पेपर को बेचा था और वहां से पैसे की उगाही की गई थी। चूंकि इसका पार्टनर उदाराम बिश्नोई है, उदाराम बिश्नोई अभी सभी जांच एजेंसियों के यहाँ से फरार है, लेकिन उसका पार्टनर था और इसके साथ उसकी अहम मिली भगत है। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद अब ईडी को ये उम्मीद है कि अब उदाराम बिश्नोई वहां तक ईडी के हाथ पहुंचेंगे। चूंकि बाजार में बहुत बड़े पैमाने पर जो है पेपर लीक प्रकरण में पैसे की वसूली हुई और इस वसूली को अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया था, इसके प्रमाण प्रवर्तन निदेशालय की टीम को पहले से मिल चुके हैं। चूंकि रामकृपाल मीणा के साथ साथ दूसरे वो लोग जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, उनके खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है। ये जो राजूराम इराम है, इसके खिलाफ 30 से ज्यादा मामले अलग अलग जांच एजेंसियों में दर्ज हैं। मोस्ट वांटेड ये चल रहा था, अब इसको ईडी ने
कस्टडी में लिया है, कस्टडी में लेकर के इससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही कहां कहां पर पेपर सप्लाई किया, कितनी उसकी कीमत वसूली गई, कितना पैसा कुल पेपर लीक प्रकरण में जो है उगाई के जरिए आया और उस पैसे को कहां लगाया गया, इन तमाम सवालों की फेरिस्त प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने तैयार कर ली है और अब इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। कई ऐसे नए तथ्य सामने आएंगे जो इस पेपर लीक प्रकरण से पूरे मामले में गिरफ्तारी हो रही है। अब इस पूछताछ होगी राजू राम से तो और बड़े खुलासे होंगे। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बेंगलुरु के जीटी मॉल में एक बुजुर्ग की एंट्री धोती पहनने की वजह से बैन की गई थी। जब मामले ने तूल पकड़ा, अब कर्नाटक सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई की है। मॉल पर 7 दिनों के लिए ताला जड़ दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। धोती को लेकर हंगामा, मॉल में 7 दिन के लिए जड़ गया ताला। 16 जुलाई मंगलवार के दिन बेंगलुरु में एक धोती पहने बुजुर्ग किसान को मॉल में एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद तो किसानों ने मोर्चा खोल दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्नाटक सरकार भी हरकत में आई और मॉल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। सरकार के आदेश के बाद बेंगलुरु महानगर पालिका ने जीटी मॉल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया। मॉल के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। अब 7 दिनों तक लोग मॉल नहीं जा सकते। मामला 16 जुलाई का है, जब हावेरी के रहने वाले एक बुजुर्ग किसान फकीरप्पा और उनके बेटे पिक्चर देखने के लिए बेंगलुरु के जीटी वर्ल्ड मॉल में पहुंचे। लेकिन मॉल में ड्यूटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि बुजुर्ग किसान ने परंपरागत परिधान धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे थे। बुजुर्ग ने मॉल के कर्मचारी से इस पर बात की तो वहां से जवाब मिला कि आपने धोती पहनी हुई है, पहले पैंट पहन कर आइए, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। बुजुर्ग ने वहां कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बुजुर्ग कहते रह गए कि उनका घर बहुत दूर है और वो वापस जाकर कपड़े नहीं बदल सकते, लेकिन उनके समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब बुजुर्ग शख्स के बेटे ने बात की तो उन्होंने बताया कि मॉल मैनेजमेंट ने ये नियम बनाया है कि कोई भी शख्स मॉल में धोती पहनकर नहीं आ सकता। ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ। फिर क्या था, खबर जैसे ही वायरल हुई उसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। किसान संगठन विरोध में आ गए, कई किसान धोती पहनकर जीटी वर्ल्ड मॉल पहुंच गए। वो मॉल के सामने वाली सड़क पर बैठ गए, मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी की। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री के मुताबिक ऐसे मामले में सरकार के पास कानून के तहत मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान है। इसके बाद जीटी मॉल पर 7 दिन के लिए ताला जड़ दिया गया। सरकार ने घटना को किसान का अपमान बताया। कर्नाटक विधानसभा में भी मुद्दा जोरों शोर से उछला। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की जिससे आगे ऐसी घटना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक शहजादी की सोशल मीडिया पोस्ट पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। वो शहजादी अपनी सौतन से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने आप देखा नताव और तुरंत ही सोशल मीडिया के जरिए अपने शौहर को बोल दिया तलाक तलाक तलाक। बला की खूबसूरत वो शहजादी है यूएई की शासक की बेटी शिखा महरा, जिसकी खुद की नेटवर्थ जो है $300 मिलियन यानी करीब 2,509 करोड़ रुपए है। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बला के खूबसूरत है, उसे बेशकीमती गहनों का शौक है, उसे घुड़सवारी का शौक है, उसे कपड़ों का शौक है, उसकी खूबसूरती की चर्चा दुनिया के सभी 194 मुल्कों में होती है। अपनी पूरी जिंदगी में आम लोग जितना कमाते हैं उतना हर रोज खर्च करती है वो।
महलों की राजकुमारी है वो, लेकिन उसी राजकुमारी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। ये है दुबई की शहजादी शेख माहिरा बिन, जिन्होंने अपने पति को सोशल मीडिया पर बोल दिया है तलाक तलाक तलाक। ऐसा क्यों हुआ? शहजादी ने आखिर क्यों अपने शौहर को 3 तलाक दिया? क्या कैद में थी दुबई की राजकुमारी? क्या प्रिंसेस के महंगे शौक पूरे नहीं कर पाया उनका शौहर? या उनका बोल्ड अंदाज देख घबरा गए थे प्रिंसेस के शौहर? क्या अपने शौहर से परेशान हो चुकी थी शहजादी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए शहजादी की लाइफस्टाइल। शहजादी को घोड़ों से खास लगाव है, ये हद से ज्यादा अपने घोड़ों से प्यार करती हैं। इनके अस्तबल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद हैं। इनके पास एक ऐसा घोड़ा भी है जिसकी कीमत $3.4 मिलियन बताई जाती है। वो अक्सर दुबई में होने वाले हॉर्स रेसिंग मुकाबलों में भी हिस्सा लेती हैं। उनके पास इस वक्त दुनिया की आला नस्ल के 11 घोड़े मौजूद हैं। इन घोड़ों की देखभाल पर सालाना $4 मिलियन खर्च करती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहजादी हॉर्स राइडिंग की कितनी शौकीन है। शेखा मेहरा का दूसरा शौक भी काफी निराला है। इन्हें स्विमिंग का बेइंतहा शौक है। शेखा मेहरा एक बेहतरीन स्विमर है। शेखा के जानने वालों का कहना है कि वो स्विमिंग इसलिए करती हैं ताकि वो फिट रहें। शेखा मेहरा के फिटनेस को देखने के बाद ये वाकई सच साबित होता है। शेखा मेहरा रफ्तार की भी दीवानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेखा मेहरा के लग्जरी कारों का एक बड़ा सा कलेक्शन है। बताया जाता है कि मेहरा के पास 52 करोड़ रुपए के गोल्ड लैम्बोर्गिनी के साथ और कई बेशकीमती कारें शामिल हैं, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज AMG G63, 11 करोड़ की बॉर्बी एडिशन की पिंक रॉल्स रॉय, 15 करोड़ की फेरारी, 22 करोड़ की बुगटी सीरीज शामिल है। ये तस्वीरें शहजादी की शाही शादी की हैं। शाही शादी की इन तस्वीरों को दुनिया देखती ही रह गई, क्योंकि ये शादी थी ही इतनी खास और खर्चीली। लाखों डॉलर इस शादी में पानी की तरह बहा दिए गए थे। आखिर दुबई की शहजादी की जो शादी थी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादी की ड्रेस तैयार करने वाले ड्रेस डिजाइनर ने अपने सभी असाइनमेंट को छोड़कर महीनों की मेहनत के बाद शहजादी शेखा मेहरा की यह ड्रेस तैयार की थी। और देखिए, जब शहजादी ने वो ड्रेस पहनी तो क्या बला की खूबसूरत दिख रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि शेखा मेहरा दुबई के प्रधानमंत्री अपने पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के कानूनों को भी नहीं मानती। उनकी जो मर्जी होती है वो खुले दिल से करती हैं। इस्लामिक कंट्री से ताल्लुक होने के बाद भी शेखा मेहरा बिंदास जिंदगी जीना पसंद करती हैं। दरअसल दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की बेटी शेखा ने पति के किसी और महिला से रिश्ते का आरोप लगाते हुए उन्हें तलाक दे दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे शेखा मेहरा ने अपने शौहर शेख माना को सोशल मीडिया के जरिए तलाक दिया और क्या कहा। डियर हस्बैंड, अब क्योंकि आप अपने कई अन्य साथियों के साथ बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैं हमारे तलाक का ऐलान करती हूँ। मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। अपना ध्यान रखें, आपकी पूर्व पत्नी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महरो राजस्थान। नमस्कार।